राफेल सौदे को लेकर फ्रांस सरकार ने अपने पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान का किया खंडन, कहा भारतीय साझेदार के चयन में सरकार की नहीं कोई भूमिका, कॉन्ट्रैक्ट का साझेदार चुनने के लिए फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र, द सॉल्ट एविएशन ने कहा कंपनी ने लिया भारतीय साझेदार चुनने का फैसला। झारसुगुड़ा में बने पश्चिमी ओडिशा के पहले हवाई अड्डे को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, राज्य में एनटीपीसी के पहले कोयला खदान समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। उपराष्ट्रपति की डॉक्टरों से आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बनने की अपील, कहा सबको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य होगा हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड से करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। रोजगार के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, जुलाई महीने में पिछले 11 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा 9.5 लाख नई नौकरियां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल डेटा रिपोर्ट में खुलासा, सितंबर 2017 से जुलाई 2018 के दौरान पैदा हुई 61,81,000 से ज्यादा नई नौकरियां। एशिया कप में भारत की शानदार जीत, सुपर फोर के पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया, रविवार को पाकिस्तान के साथ भारत का अगला मुकाबला।